बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछता है फिफ्थ वाइटल साइन, कई बार बच्चों आपसे पूछा जाता है फिफ्थ वाइटल साइन, आंसर होगा पेन। फिफ्थ वाइटल साइन आंसर होगा पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ ग्लास थर्मोमीटर। बच्चे जो ग्लास थर्मोमीटर आप यूज करते हो, जो ग्लास थर्मोमीटर आप यूज करते हो उसकी रेंज अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 टू 43.3 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में पूछ सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपोथर्मिया का कहेंगे बच्चे, अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर कम होगा तो उसको बोलेंगे हाइपोथर्मिया। अगर वो आपसे पूछे हाइपरथर्मिया तो आप बताओगे अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर टेम्परेचर है तो आप बोलोगे हाइपरथर्मिया। और अगर वो पूछे हाइपरपाइरेक्सिया तो हाइपरपाइरेक्सिया आप कब कहोगे, जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में बच्चे आपको फीवर आएगा कुछ दिन, कुछ डेज या फिर कुछ वीक्स जो आपका फीवर है वो नॉर्मल रहेगा, यानी आपको फीवर नहीं आएगा और उसके बाद फिर से पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, इसे कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। फीवर एपिसोड आर सेपरेटेड बाय इंटरवल ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। बच्चे फीवर आएगा फिर कुछ दिनों तक या कुछ वीक्स तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर, और उसके बाद फिर से कुछ दिनों के नॉर्मल टेम्परेचर के बाद फिर से उसे फीवर आ जाएगा, बच्चे इसे कहते हैं रिलैप्सिंग फीवर। फीवर आना, कुछ डेज नॉर्मल रहना एंड देन फिर से फीवर आ जाना। नेक्स्ट है बच्चे रिगर। रिगर क्या बोलते हैं बच्चे, सडन राइज इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका सडन राइज होना विद शिवरिंग, साथ में पेशेंट में क्या देखने को मिलेगी शिवरिंग, तो बॉडी का जो टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज होगा और उसके साथ शिवरिंग देखने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं बच्चे रिगर। नेक्स्ट है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में कौन सी रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है, बहुत बार पूछा जाता है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको देखने को मिलती है बच्चे कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में आपको देखने को मिलती है कुसमॉल्स रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है बीपी का कफ, जब भी आपसे पूछा जाए बीपी के कफ की विड्थ कितनी होनी चाहिए बच्चों, तो 40% होनी चाहिए ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस, आर्म सर्कमफेरेंस की 40% होनी चाहिए। और अगर वो पूछे लेंथ कितनी होनी चाहिए तो 80% होनी चाहिए ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस, 80% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस। लेंथ भी याद रखिएगा बच्चों और विड्थ भी याद रखिएगा, विड्थ कितनी होनी चाहिए 40% जबकि लेंथ कितनी होनी चाहिए 80%, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है फिडेलिटी किसको बोलते हैं बच्चे, बीइंग फेथफुल पेशेंट के लिए, अपने पेशेंट के लिए फेथफुल रहने को बोलते हैं फिडेलिटी, फेथफुल भी आप कह सकते हैं, लॉयल भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे वेरेसिटी किसे बोलते हैं बच्चे, हमेशा पेशेंट को आप क्या बताएंगे टेलिंग ट्रूथ, हमेशा पेशेंट को सच बताएंगे, टेलिंग ट्रूथ को आप क्या बोलते हैं वेरेसिटी, टेलिंग ट्रूथ वेरेसिटी बीइंग फेथफुल और लॉयल कहलाता है फिडेलिटी। नेक्स्ट है बच्चे स्लैंडर, अगर आप स्पोकन वर्ड्स फॉल्स स्पोकन वर्ड्स के थ्रू किसी के बारे में झूठ बोल के उसकी छवि को खराब करें बच्चे उसे कहते हैं स्लैंडर। फॉल्स स्पोकन वर्ड डैमेजिंग अ पर्सन रेपुटेशन, ये किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो बाय फॉल्स स्पोकन वर्ड्स, फॉल्स स्पोकन वर्ड्स बोल के उसकी रेपुटेशन को खराब करो स्लैंडर। इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा कंसेंट लिया जाता है बच्चे, अगर कोई भी एक्सीडेंट के बाद केस आया तो वो बेहोश होता है या फिर वो इस कंडीशन में नहीं होता है पेशेंट कि वो कंसेंट दे पाए, उस समय पे जो कंसेंट हम लेते हैं या मानते हैं उसे कहते हैं इंप्लाइड कंसेंट। ये क्वेश्चन रिसेंटली नॉर्सेट में बहुत बार पूछा गया है, अगर जो पेशेंट है वो क्या है कॉमेटोज है और वो इमरजेंसी कंडीशन में आता है तो बच्चे उस समय पे कौन सा कंसेंट होता है इंप्लाइड कंसेंट, यानी आप पेशेंट की जान बचाने के लिए कोई भी प्रोसीजर कर सकते हो बिकॉज पेशेंट इस हालत में नहीं होता है कि वो अपना कंसेंट दे पाए, तो उस समय पे कौन सा कंसेंट होता है इंप्लाइड कंसेंट। और लास्ट बच्चे एमएलसी रिकॉर्ड कब तक रखा जाता है, तो याद रखिएगा 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक एमएलसी रिकॉर्ड को रखा जाता है।